और दोस्तों इसी मंदिर के नीचे एक धारा है, जहाँ पे पानी आता है उसे हम लोग धारा बोलते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ हम लोग संडे को आया करते थे, 5-6 दोस्त हमारे मिल करके हम यहाँ नहाते थे और एंजॉयमेंट करते थे। यहाँ से पानी भी भर करके ले जाते थे, बहुत ही शुद्ध पानी माना जाता है यहाँ का। जो घरों में आता है वो तो दूसरा पानी है, लेकिन ये पानी को बहुत शुद्ध माना जाता है। आप इसको डिस्टिल वाटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो धारा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ नीचे को। बहुत फिसलन है यहाँ पे, हर कोई नहीं चल सकता है। ये जो नीचे घास गिरी है इसे पिरूल बोला जाता है, ये चीड़ के पेड़ों का होता है, बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है इसमें। मैं आपको धारा दिखाने के चक्कर में नीचे जा रहा हूँ, पैर फिसलते जा रहे हैं नीचे को। ये देखिए, आप सोच सकते हैं कि जंगल में हम हर संडे को आया करते थे और लोग यहाँ से पानी लेकर के जाते थे। आज पानी की उतनी दिक्कत नहीं। अभी भी सुबह महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं तो 4-5 लीटर पानी यहाँ से लेके जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध पानी है जो पेड़ों की जड़ों से आता है। कहाँ इसका स्रोत है, क्या है, कोई पता नहीं। और यहाँ पर कोई ये एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, इसको हमारे वहाँ धारा बोलते हैं। ये देखिए, अब इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं, पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, काफ़ी पानी आता था, लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे, घरों में पानी की किल्लत हुआ करती थी। और इस पानी की ख़ास बात कि आपको गर्मी में बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा, और जब बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो आप इसमें अगर हाथ डालेंगे पानी में तो आपको बहुत गर्म लगेगा। ये इस पानी की ख़ास बात होती है। ये देखिए, अब तो धारे की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब सी लग रही है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कभी हम यहाँ रोज आया करते थे सुबह शाम, आज भी लोग आते हैं लेकिन अब बहुत कम लोग आते हैं। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, और ये है वो धारा। बिल्कुल शुद्ध पानी, ये देखिए 24 घंटे बहता हुआ। हरि ओम। ये देखिए, बहुत ही शुद्ध पानी माना जाता है, शुद्ध जल। और यहाँ बैठ करके हम लोग कपड़े धोया करते थे, नहाते थे, एंजॉयमेंट करते थे, और उस जगह पे जाके हम लोग चाय बनाते थे, ब्रेड लाते थे, मक्खन लाते थे और एंजॉय किया करते थे। आप देख सकते हैं अब बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लोग कम आते हैं, लेकिन अभी भी गांव से इस तरफ से जो लोग पैदल आते थे और यहाँ पे बैठ करके पानी पिया करते थे, ये किसी हौ नाम के आदमी ने बनाया था, जिसलिए इसका नाम हड़ा धारा रख दिया गया। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। आप सोच सकते हैं आपको पूरा जंगल लग रहा होगा, आज यहाँ पे काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे डर लग रही हो, लेकिन
एक टाइम पे यहाँ पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी। आज से 15-20 साल पहले संडे के दिन यहाँ नंबर लगाया जाता था कपड़े धोने का। लोग कपड़े धोते थे, पानी लेके जाते थे, और इस पानी में जैसे ही आप कपड़े धोएंगे कितना ही गंदा कपड़ा हो एकदम साफ हो जाता था। गर्मियों में पानी ठंडा और जाड़े में गर्म, ये इस पानी की खास बात। देखिए कैसे खतरनाक रास्ते। और यहाँ हम लकड़ी लेने आया करते थे, यहाँ से लकड़ियाँ लेके जाते थे। आज पैदल चलने में हमारी हालत ख़राब है। तो शहर की आबोहवा कितना कुछ बदल देती है। जहाँ हम पानी लेके जाया करते थे, यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते थे, आज पैदल चलने में सांस फूल रही है। ये शहर का पानी और हमारे गांव का पानी, ये अंतर है शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में। देखिए इन रास्तों पे हम चला करते थे, लकड़ियों का कट्टा भर के ले जाते थे। आज सोच भी नहीं सकते कि हम कभी इस रास्ते में चला करते थे। शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये एक अजीब सा माहौल होगा। उन्हें लगता होगा कितनी हार्ड लाइफ थी इन लोगों की, लेकिन ये लाइफ बहुत अच्छी थी। शरीर में ताकत रहती है, स्वस्थ रहता है इंसान। मेरे बच्चे वहाँ बैठे हैं, देखिए। आपको मंदिर दिखाने के, धारा दिखाने के लिए मैं नीचे आया, अब ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से घर को प्रस्थान करूँगा। ये सारे चीड़ के पेड़ हैं, इनकी लकड़ियाँ हम ले जाया करते थे। आज सब कुछ बदल चुका है। लोग ऐसो आराम में ज़्यादा जीते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पहाड़ी लोग सब यहाँ आते हैं। ठंड बहुत पड़ती है, लकड़ियाँ लेके जाते हैं। शायद ही कुछ लोग अब पानी ले आते होंगे। पहले से कुछ महिलाएं 5-5 लीटर पानी लेके जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध पानी है। इस पानी को पीकर आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये रास्ता और ये जो घास है, ये इसे चीड़ का पिरूल बोला जाता है। इसे इसमें आग लगती है बहुत, और इसके ऊपर पैर पड़े तो आदमी फिसल जाता है। हमारा बचपन यहीं गुजरा, आधी जवानी गुजरी। आज देखते हैं तो लगता है क्या हम कभी यहाँ रहा करते थे। इस जगह को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। शहर ने हमसे सब कुछ भुला दिया। ये सुंदर पहाड़, ये सुंदर दृश्य। दोस्तों एंजॉय करिए, और भी आगे पहाड़ की बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब फिर उसी मंदिर के पास आ रहा हूँ। बच्चे बैठे हैं रोड के किनारे, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे आने का। हरे ओम, सांस फूल रही है। ये देखिए मंदिर सामने, और अब घर की तरफ
प्रस्थान करेंगे। चलो, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर से हैं, इनमें रात को बाघ रहा करता है।